एक बात करना है। हाँ तेरे गाड़ी इसके गाड़ी का भी लूंगा मैं। मैं एक बात बोलना था कि मेरे मुझे अगर इसने सर्च किया था तो क्या सर्च किया था, तो यूट्यूब पे क्या आया था, क्या नाम से सर्च किया था? उमरगांव समाचार। उमरगांव समाचार में समाचार कब स्टार्ट किया? गाड़ी में क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या भाई? गाड़ी में जलने का बास आ रहा है। गाड़ी में ही आ रहा है कि और किधर से? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई फिर से नए व्लॉग के साथ में स्वागत है भाई लोग। भाई आज माँ का मूड बहुत ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? कि पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आने के कारण पूरा मतलब कि खाना वाना नहीं बन पाया। मैं खाना वाना तो बन गया है ना, खाना बन गया है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं बना है तो फिर खाएगा क्या पापा आकर? चूल्हा घर रख। तो कल रात के इसके वजह से बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था। नीचे बहुत बवाल खड़ा हुआ था कि पानी नहीं आ रहा। सब यहाँ के सोसाइटी के नीचे उतरे थे और वॉचमैन को पकड़ा था। तो वॉचमैन भी क्या करेगा यार, वॉचमैन की गलती नहीं है क्योंकि हर रोज यहाँ पे नया नया वॉचमैन चेंज होता है। तो जो नया वॉचमैन रहता है उसको मालूम नहीं रहता है कहाँ से पानी चालू करना है, कहाँ से बंद करना है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोचा होता है। मम्मी का पूरा बर्तन किचन का ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ किया नहीं है और खाना भी नहीं बना है। ये देखो भाजी उजी का ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ बना नहीं है अभी तक। फिलहाल नाश्ता बन चुका था, वो भी रोटी बन चुका है और उसमें पानी निकल तो नहीं लगा। डाइट एकदम सा नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि पानी नहीं है, कुछ बना नहीं पाई मम्मी ने। अभी मम्मी को देखोगे तुम, देखो वहां पर बैठ के एकदम मस्त से हंसते है इसका हाई अलर्ट का। तो आज देखूंगा दरिया जाके फिर से कि बहुत तेज तूफान चल रहा है, बहुत तेज तूफान आ रहा है। फिलहाल नाश्ता करता हूँ फिर उसके बाद में निकलेंगे बाहर। तो बस पानी अभी अभी चालू किया है तो फिलहाल अभी मम्मी खाना बनाने लग गई। खाना बन रहा है अभी, किचन में ताम झाम पड़ा लगा पड़ा हुआ है। यह सेजन आलू की सब्जी और चावल। ओ अभी अभी फिलहाल पानी आया भाई, अभी आज जाने गए बाहर घूमने के लिए थोड़ा बहुत। चलो सो गाइस मैं रेडी हूँ बाहर जाने के लिए। बाहर जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ तलाशरी। राहुल का कॉल आया था, राहुल का मोबाइल से कॉल किया था विपुल ने। विपुल बोला कि जाते हैं अपन तलाशरी में, कुछ उसको काम है, एग्जाम का कुछ काम है उसका, कुछ तो कुछ काम है। इतना मेरे को सुनाई नहीं दिया, बस इतना बोला कि तलाशरी जाने का, भाई मैं आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है तू आ। उसने बोला कि मम्मी पापा से परमिशन ले ले पहले। तो मैं मम्मी पापा से परमिशन लिया और लेने के बाद अभी रेडी हूँ। रेडी मतलब आज हुडी पहनोगी कि कुछ लंबा ज़्यादा सफर है तो हाथ बहुत काले हो जाते हैं। तो हुडी पहना मैंने और ऊपर से नीचे एक ट्राउजर डाला है मैंने। और राहुल या विपुल दोनों साथ में आ रहे हैं तो साथ में हम लोग निकलेंगे तलाशरी में। थोड़ा मोड़ा जितना भी हो सके वहाँ पे घूमने का बहुत सारी जगह है जो आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल आने दो राहुल विपुल को, फिर मिलते हैं अपन नीचे। तो गाइस बाहर आ गया, कभी एलियन सा दिख रहा होगा। क्या बोला तूने? अजीब। विपुल आ रहा है मेरे को लेने के लिए, तो मैं मुझे बोला था यहाँ पे खड़ा रहने के लिए, तो मैं इधर खड़ा हूँ। इधर रुकता हूँ 5 मिनट फिर आता है तो ठीक है ना। तो अभी जाके फिर 10 गाली दूंगा उसको मैं। बोला था भाई रेडी रहे, मैं अभी पहुँच गया, अभी तक पहुँचा नहीं है। घर का व्लॉग दिखने मिल रहा था कुछ दिनों से तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो आज बाहर और कुछ तलाशी, कुछ अच्छा जगह है भाई, बहुत बढ़िया जगह है घूमने लायक, बहुत बढ़िया जगह है। तो आपको मैं बताऊँ, पहाड़ी है, नेचर भाई नेचर है पूरा एकदम, वो आपको देखने मिल जाएगा। चलो दो जन को दिखाया जाता, बहुत दिन बाद देखने मिला है। ये रहा तो इतना टाइम कैसे लगता है रे भाई? लेट हो गया क्या बोलूँ। चलो और तुम लोग सिम राइडिंग देखो, अरे भाई बैठते दे रहे थे। अच्छा होगी तू गाड़ी चला रहा राहुल, ज़्यादा जगह नहीं। तो गाइस अभी हम लोग तलाशरी पहुंच चुके हैं, अभी भी रास्ते में 2 मिनट का दूरी है। 10 मिनट 8-15 मिनट जाएगा रुकने के लिए। ये 2 मिनट में बुला लिया, बंदा कब से रुका पड़ा हुआ है। जाते हैं क्या 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 लेना है लेना है।
चलो लड़की देख रही है, देखने दो। अरे मासी चलो क्या भी बोला फिलहाल अभी यहाँ से थोड़ा उसका बुक का कुछ था काम, तो अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ा हुआ पहाड़ी साइड भी निकल जाएंगे ना, फिर आपने यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्ट घर के बस बैठे बैठे ना। गाली नहीं, गाली नहीं, फैमिली वाला ठीक है। इसको कि यार ये तो बड़ बोला है, बोलते जाता है, बोलते जाता है। चलो चलो बाय बाय। एक बात करना है, हाँ तेरे गाड़ी इसका गाड़ी का भी लूंगा मैं। पर एक बात बोलना था कि मेरे मुझे अगर इसने सर्च किया था तो क्या सर्च किया था, तो यूट्यूब पे क्या आया था, क्या नाम से सर्च किया था? उमर गांव समाचार। उमर गांव समाचार में समाचार कब स्टार्ट किया? कल। मैं उमर गांव समाचार लिख रहा हूँ तो मेरा चैनल आ रहा है। यूट्यूबर है हमारा। उमर गांव समाचार लिख रहा है तो मेरा चैनल आ रहा है, मैं समाचार थोड़ा दे रहा हूँ भाई। मेरे को बोलता आकिब कल तेरा वीडियो देखा, बोला क्या नाम सर्च किया, बोलता साला कि उमर गांव समाचार डाला था तेरा आया वीडियो, बोले यही है। उमर गांव का समाचार। तो गाइस ये गाड़ी में क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या भाई, गाड़ी में जलने का पास आ रहा, गाड़ी जल गया भाई, गाड़ी जल। हाँ भाई चलो निकलते हैं घर पे, डायरेक्ट मिलते हैं। घर पहुंच चुका हूँ, आराम करता हूँ, आराम करने के बाद मिलता हूँ मैं। चलो इस घर पे आया हूँ। अब पापा पेट जाम हो गया भाई, बैठे बैठे हालत खराब है, तो मम्मी खाना, मम्मी जी कहते खाना खाते, खाना में जो बना जो आपको दिखी गया होगा सुबह, जिस तरह से मम्मी का काम चालू था किचन में। माँ खाना बन के रेडी है ना? कल अपना खाना आ चुका है और खाना खा के फिर थोड़ा सा 5 मिनट का आराम करूँगा, फिर जाने का है दरगाह। दरगाह जाने के टाइम में अपन मिलते हैं, पहले खाना खा लूँ। खाने में बना अपना सहजन आलू की सब्जी और बैंगन का चॉप दाल, फिर ये फटाफट ख़त्म करते हैं, फिनिश करने के बाद फिर मिलते हैं दरगाह जाने टाइम में। चलो सो गाइस मैं नहा धो के एकदम से रेडी हूँ और निकलना अभी मज़ार। मम्मी नीचे है और मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी बोला कि मैं नीचे रहती हूँ, तू नहा धो के नीचे आ। तो मैं फिलहाल फटाफट निकलता हूँ मज़ार के लिए, अभी लेट हो चुका है। और आज का व्लॉग अपलोड कर दिया, आप बताना कैसा है व्लॉग और कमेंट भी कर सकते हो, और लाइक डिसलाइक जो करना है करो यार, मैं किसी चीज़ को मना नहीं करूँगा, जो भी है वीडियो जाके देखना जरूर। फिलहाल निकलता हूँ मैं, चलो मम्मी नीचे बहुत तेज आवा रही है, मैं चाहता हूँ कि दरवाज़ा बंद करके करूँ, देखिए हाँ बंद करूँगा मैं, देखना इधर आ। फिलहाल निकलते हैं भाई, नीचे मिलते हैं मम्मी नीचे। फिलहाल निकलेंगे, मैं नीचे आ चुका हूँ लेकिन गाड़ी किधर रखा मुझे वो याद नहीं है यार, देखना पड़ेगा। गाड़ी उधर तो नहीं है, ये रही गाड़ी, ये भाई कचरा पट्टी में रख दिया मैंने गाड़ी, मैंने रखा ही कि कोई आके डाल दिया, नहीं 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 मैं ही रखा होगा, किसी और पे इल्ज़ाम क्यों लगाऊं मैं। जैसे कि आपने देखा होगा सिनेमैटिक के थ्रू, मम्मी दिख गई थी, मम्मी को लगाया कर चाले तो वो नहीं बोलने का। मम्मी आ रही है, मम्मी ऊपर गई है, मम्मी आने का फिर फटाक से निकलेंगे बाजार पे। चलो गाइस मज़ार पे आ चुके, यहाँ से फिर दुआ वुआ मांग के फिर फटाक से निकल जाएंगे। चलो मज़ार से निकल गया, दुआ मांग लिया मैंने भी और आप लोगों के लिए भी मैंने दुआ मांग लिया, आपका भी कबूल हो और मेरा भी कबूल हो जाए। जो जो सोचा है वो हो जाए, अब बाबा जल्द से जल्द पूरा हो जाए भाई, यही दुआ है सबका, पूरा हो दुआ मेरा भी और आपका भी। दरिया क्या करने जाएगा, चलो यहाँ से घर पे निकलते हैं भाई, जिम पे भी जाना है। फिलहाल घर पे आ गया, घर पे आ गया, जस्ट अभी बैठ रहा हूँ और फाते क्या हो लड्डू खाते, आज कुछ बजट बढ़ चुका था, फातिया में नुकुन दाना का जगह लड्डू आ गया, तो भाई
लड्डू खाते हैं फिर जिम के लिए निकलेंगे, जिम करके फिर मिलेंगे। और हाँ, दुआ में जो भी कुछ मांगा मेरा भी पूरा हो और आप लोग जो भी कुछ मांगे हो और आप लोग का भी पूरा हो। चलो मिलते हैं जिम के टाइम पे। तो गाइस घर पे आ गया, लेकिन जिम करके आया, दरगाह से आने के बाद घर आया था, घर आने के बाद फटाक से जिम करने गया, उसमें रिकॉर्ड एक बीच में एकदम सा नहीं किया। फिर अब भी आया हूँ जिम से तो फटाफट मैं खाने के लिए बैठा हूँ, खाना खाते और खाना खाने के बाद देखते कि इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ ना ये जिम को लेकर, लेकिन खाने में देखो ये ऑयली एकदम पूरा, मम्मी ने पूरा दिया आलू का, तो इसको तो नहीं खाएंगे ये आलू वाला, तो ये तो छोड़ देंगे, ये नहीं खाएंगे। राइस थोड़ा सा खाएंगे और अंडा और दाल पी के हो जाएगा मेरा, ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल मैं ये खा लूँ, खाने के बाद फिर देखते हैं किधर जाने को हुआ, तो अपन चलेंगे। तो गाइस फिर से आ गया नहीं, ये व्लॉग का एंड करने का आया, तो ये व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। हर बार की तरह बोलता हूँ कि बाहर जाऊँगा बाहर जाएंगे, ऐसा कोई पॉइंट बनता ही नहीं कि रात के टाइम मैं बाहर जाऊँ, और ये एटीट्यूड में लगता है तो कब 10-11 बजे तक मालूम नहीं पड़ता, दुकान खुला नहीं रहेगा तो जाके क्या फ़ायदा होगा। फिलहाल इतना ही बोला था, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो।